फ्रेंड्स थ्योरम 1.3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर देन पी डिवाइड आल्सो ए। ठीक है, जहां ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और पी हमारा प्राइम नंबर है। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मेरे पास 2 एक प्राइम नंबर है तो अगर वो 4 को, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको डिविजिबल है, उसको वो डिवाइड कर सकता है, तो वो 4 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकेगा। देख लेते हैं, अब 4 जो कितना हुआ हमारा 4 × 4, ठीक है, और ये हमारा 4 है ही। अब देखते हैं कि ये डिवाइड करता है कि नहीं करता है। 2 को हमने सबसे पहले ए वाले जो फैक्टर था, ए वाला जो हमने नंबर था, उससे डिवाइड किया 4, 2 जो 4, ठीक है भाई, डिविजिबल हो गया। अब हम यहाँ पर करें तो जरा 16 है और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 × 8 = 16, ठीक है। तो यही वो बात कह रहा है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है, अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो वही पी ए को भी डिवाइड करेगा। चाहे यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक प्राइम नंबर 3, ठीक है। अगर ये 3 9 को डिविजिबल करता है तो 9 के स्क्वायर को भी ये 3 डिवाइड करता होगा। देख लेते हैं इस बात को भी कि 3 ने डिवाइड किया 9 को, ठीक, तो 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 0 हुआ, और 9 × 9 क्या हुआ हमारा 81, और ये हमारा फिर 3 से, तो 3 × 2 = 6, रिमेनिंग 2 और 1, 3 × 7 = 21। इसका मतलब कि ये 3 9 को भी डिवाइड करता है तो 9 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। बस एक सिंपल सी थ्योरी है जिसे बुक के अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया गया। अगर आप ऐसे भी इसे एक्सप्लेन करते हैं तो आप बिल्कुल राइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।